हाँ बुआ, देख मैं पहले जब आया करती थी ना, हाँ हाँ, तो तेरे लिए मैं कंपट लेके आया करती थी, हाँ, सपड़ी लेकर के आया करती थी, जलेबी लेकर के आया करती थी। तो अब गाल आयो, अब की बार हम जसवंत नगर की मुरमुरिया लेके आए हैं। ए बुआ, और बेटा एक बात तुझसे मैं कहना चाहती हूँ। कौन? तू ये राम का नाम क्यों नहीं छोड़ देता है? तुम खाना क्यों नहीं छोड़ती हो? तुम्हारे समझ तो जहर सो बिल्ला हुए आधी बात नहीं मान मुझे कान दई। लला जी, तुम्हें शायद नहीं पता है कि तुम्हारे पिताजी कितने बड़े डेंजर हैं। हाँ, तुम अगर राम का नाम नहीं छोड़ेंगे, हाँ, तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। हमें मार देंगे, साथ में तुम भी मरोगी। ये कड़ी खाओ है बड़े बेला, कोई बात नहीं उधार दे रहो, हम कितने प्यार से समझ आ रही है। ओमान तो नहीं हम लला, हाँ, जय राम के नाय को छोड़ दो, नहीं तुम्हारी और इसी जरी धरी है। ए बुआ जी, देख रही हूँ हम पे कहाँ है, कहाँ है जी? शीतला चीर हुए और जाए अगर हम ओढ़ के बैठ गए, हाँ, और चिता में अगर आग लगवाई दई, लगवाई दई, तो ऐसे तुम जलोगे फपरे ही फपरे जैसे आलू बनता है कुकर में। एक बात बताओ, तुम और पिताजी भगवान के नाम से इतना चिढ़ते क्यों? चिढ़ते हम नहीं है, तेरे जो पिताजी है ना, हाँ, यानी मेरा भाई जी, उसका बहुत दुश्मन है। वो कैसे? तुम्हारे चाचा जी थे ना जी, उस भगवान ने मार दिए थे। अच्छा, चाचा जी को भगवान ने मार दिया था, इसलिए दुश्मन है। एक बात बताओ बुआ, चाचा को भगवान ने मारो तो वो दुश्मन हो गए, हो गए। तुम्हारे खसम को यानी हमारे फूफा को तो तुम्हारे भैया यानी मेरे पिताजी ने मारा था, तो वो दुश्मन नहीं हुए क्या? अब नहीं बचेगा तू, अब तेरे दिन आ गए, तेरी पत्रा भी फट चुकी, अब नहीं बचेगा। भैया चिता जलवा लगवाओ जल्दी। जो इतनी बात सुनी सही का आग बबूला हो गई बोला नीच, तू मुझे पलट कर जवाब देगा? इस सईका के पति को हेड़ा कश्यप ने मारा था। बात तो समय की थी जब सईका का विवाह नहीं हुआ था। एक विपरीत नाम का राक्षस सईका के सामने आया, बोले देखो घुमा फिरा के हमें बात करना नहीं आता, ऐसा करो तुम मेरे साथ शादी कर लो। बोली शकल देगी शीशो में शादी कर लो, मेरे भैया को जानते हो कितने कठोर हैं। बोले तुम राजी हो जाओ तो तुम्हारे भैया को भी देख लेंगे, और राजी में चलो तब तो ठीक है, नहीं तो कुराजी में भी। बोला है वो राक्षस, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी सखियां उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाएंगी सखियां तुम्हारी। कहो ना प्यार है प्यार है प्यार, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं घोड़ी पर, देखती रह जाऊंगी। बोली फालतू की बातें तो करो मती, अरे अगर मेरा भैया
समर्थन देगा इस चीज के लिए तभी विवाह करूंगी। बोले भैया की कहा है, तुम्हारे भाई से मैं बात कर लूंगा। सही कहा, कहने लगी अगर तुम मेरे भाई हिरण्यकश्यप को मल्लयुद्ध में हरा दो तो मैं तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूं। ऐसा ही नहीं बोली वो लड़की, कहम शादी को तैयार शरत कया लगा मारी है। अरे भैया करो बिरन से बात वही हम करें सगाई है, पप्पू भैया करो बिरन से बात वही हम करें सगाई। सही का कह रही है, लड़का तो ठीक ठाक है, अगर उसके साथ मेरा विवाह हो जाए तो कुछ गलत भी नहीं रहेगा। ऐसा ही नहीं, हम तो ऐसे ही प्रीतम मिल जाते मेरे सब मन की हुई जाती। कश्यप और विप्रचित नाम के राक्षसों में मल्लयुद्ध हुआ। अंत गधा उस राक्षस ने हिरण्यकश्यप को पराजित कर दिया। सैका का विवाह उस राक्षस के साथ हुआ। जब हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त किए तो सबसे पहले अपने बहनों ही कोई मार दिया। तो कहा था सैका ने कि वो दिन जल्दी आएगा जब मैं अपने भैया के खानदान का दीपक बुझा दूंगी। सही का सोच रही है अगर ये पहला दम मर गया तो वंश चलाने वाला कोई नहीं बचेगा। शीतला देवी ने सही का को दो चीर दिए थे, एक अग्नि चीर और एक शीतला चीर। महाराज चिता चिनवा के तैयार की, जब चिता चिनवा के तैयार की है शीतला चीर स्वयं पर डाला, अग्नि चीर प्रहलाद के ऊपर। महाराज जब मंत्र सहित आहुति दी, इधर भगवान ने देखा कि भक्त के ऊपर संकट ज्यादा है तो 49 पवन चले हैं, चीर अदला बदली हो गए। महाराज चीर जब पलटे हैं, मंत्र जब पढ़ा सईका ने तो सुखदेव कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, देखते देखते सईका खाक हो गई, तभी से होली का त्योहार मनाया जाता है। इधर हिरण्यकश्यप के पास पहुंचा प्रहलाद, बोले पिताजी राम राम। बोले तू फिर आ गया? बोले ऐसे नहीं मरेंगे, तुम्हें मार के ही मरेंगे। हिरण्यकश्यप ने लोहे का खम्मा गर्म करवाया जिसका रंग लाल रंग से भी ज्यादा तीव्र है।
वो खम्मा गर्म करवाया, हाथ में तलवार ली, बोले अब ये बता तेरा भगवान का है। प्रहलाद कहने लगा वो तो हर जगह रहते हैं, क्योंकि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्राम प्रेम से प्रकट होए मैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान रहते नहीं है? महाराज कहा प्रहलाद से खम्मे से बैठ जाओ। छोटा सा बच्चा डर गया, भगवान ने चींटी का रूप धारण किया, खम्मे के ऊपर नीचे चलने लगे। प्रहलाद कहने लगा जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम क्यों जल जाएंगे? भगवान का नाम लिया भक्त खम्मे से बैठ गया। जैसे ही हिड़ाक सबने तलवार उठाई मारने को, खम्मा को पार करके भगवान अवतरित हुए। बोल नरसिंह भगवान की। हिड़ाक सबके केस पकड़े, जमीन पर डाला, बोले ओए ये बता मरने को तैयार है हो तू? आप हमें मार सकते हैं? क्यों? क्योंकि आप भोले बाबा का दिया हुआ वरदान को तोड़ नहीं सकते। क्या है वरदान? हमने वरदान मांगा था ना दिन में मरूं ना रात में। बेटा बोलो, ना रात है ना दिन है, संध्या होने के लिए आई है, दोनों समय मिल रहे हैं। तो क्या तुम हमें मार ही डालोगे? क्यों? हमने वरदान मांगा था ना ही तो अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। ना अस्त्र से मारेंगे ना शस्त्र से, हमारे जो नाखून है ना लंबे लंबे, इनसे ही तुम्हारा पेट फाड़ेंगे।